तो दोस्तों, फाइनली थॉर लव एंड थंडर मूवी का पहला ट्रेलर आ गया है। थॉर रैग्नारोक मूवी के बाद से इस सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से हमें थॉर की फोर्थ मूवी देखने को मिल रही है। इस फिल्म में हमें ओडिनसन थॉर तो दिखेगा ही, इसके अलावा यहाँ जेन फॉस्टर की फीमेल थॉर भी दिखने वाली है। इस छोटे से ट्रेलर में हमें ज्यादा एक्शन तो नहीं दिखा, पर इससे हमें मूवी की बेसिक डिटेल्स पता चल गई है। आज मैं थॉर लव एंड थंडर के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है स्फूर्ति। ये इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म बेस्ड ऐप है। यहाँ पर आपको हर जॉनरा की एक से बढ़कर एक शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलेंगी। अगर आपको ज्यादा बड़ी मूवीज देखना पसंद नहीं है तो ये ऐप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कई लैंग्वेजेस में काफी सारी बढ़िया शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल है, और सबसे खास बात ये है कि ये ऐप टोटली फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। यहाँ आपको फ्री में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिलेगा। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाकर इसे डाउनलोड करिए और ढेर सारी शॉर्ट फिल्म्स का मजा उठाइए। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम के बाद की है। एंड गेम के आखिर में थॉर ने न्यू एसगार्ड की जिम्मेदारी वेलकरी को सौंप दी थी और वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस में चला गया था। इसीलिए इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी नजर आएंगे, लेकिन शायद मूवी की शुरुआत में थॉर कुछ टाइम के लिए उनसे अलग रहेगा, जिसका रीजन है थॉर का वेट। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर थैनोस को नहीं मार पाया था और थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिटा दी थी, तो उससे थॉर डिप्रेशन में चला गया था और उसका वजन बहुत बढ़ गया था, और एंड गेम के आखिर में भी वो मोटा ही था। लेकिन इस मूवी की शुरुआत में वो गार्डियन से अलग रहकर पहले अपना वजन कम करेगा, ताकि वो फिर से फिट होकर जंग लड़ सके। यहाँ पर थॉर एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी कर रहा है, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी सुधार सके। लेकिन इस मेडिटेशन की वजह से थॉर का दिमाग इतना शांत हो चुका है कि वो अब लड़ाई झगड़ा छोड़कर आत्मज्ञान पाना चाहता है। फिर वो अपना वजन घटाने के बाद वापस गार्डियंस के पास जाता है, और क्योंकि अब वो फिट हो चुका है, इसीलिए स्टार लॉर्ड उसे अपने साथ एक मिशन पर लेकर आया है। लेकिन अब थॉर का इस सब में दिल नहीं लग रहा, इसीलिए वो लड़ाई के बीच में ही रुककर सबको अपनी रिटायरमेंट वाली बात बता रहा है, और शायद यहीं से थॉर और गार्डियंस अलग हो जाएंगे और फिर शुरू होंगी इस मूवी की असली कहानी। हर मूवी की तरह इस मूवी की स्टोरी भी इसके विलन के आसपास घूमती है, जो कि है गौर द गॉड बुचर, जिसका रोल कर रहे हैं द डार्क नाइट के एक्टर क्रिस्टियन बेल। इस विलेन की बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। गौर एक दूसरे प्लेनेट का रहने वाला एलियन था। उसके प्लेनेट की हालत काफी खराब थी। वहाँ के लोगों को ठीक से खाना पानी भी नहीं मिलता था, और उस ग्रह पर हमेशा भूकंप आते रहते थे। वहाँ रहने वाले लोगों का गॉड यानी देवताओं पर बहुत भरोसा था, और उन्हें लगता था कि एक ना एक दिन देवता उनकी पुकार जरूर सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। पर उनकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए गौर ने ये मान लिया कि देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके कबीले वालों ने उसे निकाल दिया। लेकिन एक दिन गौर ने अपनी आंखों से दो गॉड को देख लिया, जो कि आपस में लड़ रहे थे। इससे गौर को ये यकीन हो गया कि देवता सच में होते हैं, लेकिन उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि देवता दूसरों की मदद करने की बजाय बेकार के काम कर रहे हैं। इसीलिए उस दिन से उसने सभी गॉड्स को मारने की कसम खा ली, और फिर उसने एक शक्तिशाली तलवार हासिल की, जिससे वो सभी देवताओं को मारने लगा। इस ट्रेलर में हमें गौर तो नहीं दिखा, लेकिन यहाँ गौर के हाथों मारा गया एक गॉड जरूर दिखा। ये सीन डायरेक्ट 2013 की थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स से लिया गया है। यहाँ पर जो बड़ा सा मरा हुआ प्राणी है वो है फेलिगर, जो कि एक गॉड था, और वो थॉर का दोस्त था जिसे गौर ने मार दिया, और शायद इसी वजह से थॉर को अपना रिटायरमेंट छोड़कर फिर से एक्शन में आना पड़ेगा, ताकि वो गौर को रोक सके। यहाँ हम थॉर को कॉर्क के साथ देख सकते हैं। सकार प्लेनेट पर मिला ये एलियन थॉर का अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन बाद में जब थॉर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला गया था, तब कॉर्क धरती पर ही रह गया था। लेकिन अब अपने नए मिशन के लिए थॉर वापस धरती पर न्यू एसगार्ड में आया है, ताकि वो अपने दोस्तों की हेल्प ले सके, और उसने कॉर्क को अपने साथ रख लिया है। इसके अलावा वो वेलकरी की भी हेल्प लेगा। वेलकरी, जो कि अब न्यू एसगार्ड की किंग बन गई है, यहाँ उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो अपने काम से खुश नहीं है और वो बहुत बोर हो गई है। इसीलिए वो भी धरती छोड़कर थॉर और कॉर्क के साथ उस गैलेक्टिक मिशन पर जा रही है। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की। इस बार मूवी का मेन फोकस थॉर की बजाय फीमेल थॉर पे होगा।
कॉमिक्स की तरह ही मूवी में भी जेन फॉस्टर म्यूनिर का इस्तेमाल करके माइटी थॉर बनेंगी और इस सीन में हम उसे माइटी थॉर के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर जेन के पास जो म्यूनिर है उस पर काफी सारे क्रैक्स है। इसका मतलब ये वही वाला हथौड़ा है जिसे हेला ने थॉर रैग्नारोक की शुरुआत में तोड़ दिया था। और इस टूटे हुए म्यूनिर के जुड़ने का रीजन ये हो सकता है कि हथौड़े के टूटने के बाद भी उस पर ओडिन का वो जादुई मंत्र हो, मतलब जो कोई भी उसे उठाएगा अगर वो उसके काबिल है तो उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी। तो हो सकता है कि म्यूनिर के टूटने के बाद से ही वो वहीं पर पड़ा हो और जब जेन फॉस्टर उसके पास गई तो वर्दी होने की वजह से वो उसे उठा पाई और उसके म्यूनिर उठाते ही वो दोबारा जुड़ गया और जेन माइटी थॉर बन गई। कॉमिक्स में ऐसा एक बार हो चुका है जब जेन ने थॉर के एक टूटे हुए हथियार को उठाया था तो उसके उठाते ही वो हथियार जुड़ गया था और जेन माइटी थॉर बन गई थी। कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर थॉर बनी थी तो उस टाइम पर उसे कैंसर था और हर बार थॉर बनने के बाद उसकी बीमारी बढ़ जाती थी। और क्योंकि ये मूवी माइटी थॉर कॉमिक से इंस्पायर्ड है इसीलिए मूवी में भी जेन फॉस्टर को कैंसर होगा जिसके इलाज के साथ साथ वो अपना सुपर हीरो वाला फर्ज निभाएगी और हमें दो दो थॉर साथ मिलकर लड़ते हुए नजर आएंगे। इस मूवी में एक ऐसे विलन की बात होने वाली है जो कि सभी गॉड को मारने पर तुला है, इसलिए यहाँ हमें कई अलग अलग गॉड्स दिखेंगे। ट्रेलर में हम ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड ज्यूस को देख सकते हैं। ज्यूस जो कि गॉड ऑफ स्काई है और उसे सभी गॉड्स का किंग माना जाता है, उसका इस मूवी में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर हमें ज्यूस का किंगडम ओलिम्पस भी दिखता है जिसमें वेलकरी, कॉर्ग और दो थॉर अंदर जा रहे हैं। इसमें से एक थॉर जेन फॉस्टर होगी और ये सभी लोग शायद ज्यूस से हेल्प मांगने आए हैं ताकि वो गौर को रोक सके। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हाँ स्फूर्ति ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री में कई सारी शॉर्ट फिल्म्स का मजा उठाइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.